हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग की तरफ से आने वाली नई भर्तियों का इंतजार कर रहे सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जल विभाग की तरफ से आ चुकी 2024 के लिए नई भर्तियों के बारे में, जहाँ पर आप सभी के लिए भर्तियों के कम्प्लीट नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आप सभी आने वाली 23 जुलाई 2024 तक घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर पाएंगे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरी जानकारी भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल के बीच में है तो आप सभी इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की जॉब मिलती है, जहां पे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आते हैं आवेदन कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों के लिए जॉब वैकेंसी आ चुकी है, यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। 10th पास जॉब वैकेंसी ऑनलाइन तरीके से आवेदन आपको करना होगा। बाकी जो सैलरी सिलेक्शन प्रोसीजर से लेकर के हाउ टू अप्लाई, कैसे आवेदन कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है। अगर आप सभी इंटरेस्टेड और एलिजिबल होते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। वीडियो आपको आपके काम की लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करने के बाद ऐसी ही जॉब्स के अपडेट आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आइए चलते हैं आज का अपने मेन टॉपिक ऑफिशियल वेबसाइट प्लस नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर दे दिया गया, तो क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, साथ ही साथ हो सके तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी कनेक्टेड हो जाए, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। देखिए, जल बोर्ड डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट है 2024 के लिए। अधिक जानकारी के लिए गूगल सर्च कर सकते हैं naukrikhabar.com, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी और इसके अंदर आपको इस वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो 24 जून 2024 से लेकर के 23 जुलाई 2024 तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन फी है जो कि आपको पे करनी होगी। जितने भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको 600 और बाकी बचे हुए कैंडिडेट 400 रुपये अप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे। इसके बाद है आपकी एज, आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 यानी 40 साल के बीच में होनी चाहिए। देन यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसी वेरियस मिलती हैं, कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी तो यहाँ पर देख सकते हैं। जूनियर केमिस्ट के पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आए हुए हैं। इसके लिए 10th 12th पास आउट हैं तो आप लोग आसानी से आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। टुडे टॉप जॉब लिस्ट की बात करें तो आज की नई नौकरियों के बारे में जानकारी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। क्लिक करके बटन पे क्लिक करके आप लोग जानकारी को देख सकते हैं। सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, साथ ही साथ 5400 रुपये का ग्रेड पे भी नोटिफिकेशन में दिया गया है। आपका सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे होने वाला है। कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन, जहाँ पे आपको अप्लाई और नोटिफिकेशन का लिंक देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे आना है और क्लिक करके बटन पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका नोटिफिकेशन पीडीएफ की सहायता से आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अभी आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन 14/6/2024 यानी कि 14 जून के दिन आया हुआ है। और यहां पे देखिए, भू जल विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन है, जहां पे आपको जूनियर केमिस्ट के पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। इसके साथ यहां पे आएंगे तो आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिलेंगी। जैसे यहाँ पर वेतन के बारे में जानकारी है, 5400 रुपये का ग्रेड पे है। आपकी अधिकतम जो उम्र है वो 40 यानी कि 40 साल तक अलाउ करी गई है। साथ ही साथ आपको कुछ छूट भी मिलेगा, इसको आप लोग नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, जानकारी समझ में आई हो वीडियो को लाइक करें। डेट्स वगैरह यहां पे दी गई हैं, इसको आप लोग यहां पर देख सकते हैं। 23/7/2024 तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे, यानी कि 23 जुलाई अंतिम तिथि होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।